केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो निशुल्क वैक्सीनेशन देश के नागरिकों का कराए, लेकिन अगर केंद्र सरकार पीछे हटेगी और वो कहेगी कि नहीं, हम 45 साल के ऊपर का ही करेंगे, 45 साल से नीचे के नागरिकों का हम नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तैयार रहेगी, और भले ही 1,000 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा, केंद्र सरकार अगर आगे नहीं आएगी तो राज्य की सरकार पीछे नहीं हटेगी। ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, तो हमने इसमें जो तैयारी की बात है, जी जहां एक और हमने आपूर्ति को सुनिश्चित किया है देश के जिस जिस हिस्से से हम ऑक्सीजन ला सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन की सुचारू व्यवस्था कर रहे हैं, हमने ऑक्सीजन के टैंकर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है और ये सुनिश्चित किया है कि उसको हम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हम उसके टैंकर को लेके आते हैं, हम उसकी पायलटिंग करते हैं जिससे वो समयबद्ध तरीके से डॉक्टर्स तक, हॉस्पिटल तक पहुंच सके। जो हमारे माइग्रेंट्स जो बाहर से लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पंजाब का एक रीजन है दुआबा, उसमें बहुत सारे लोग यूरोप में हैं, बहुत सारे यूएसए में हैं, बहुत सारे कनाडा में हैं और कंट्रियों में भी हैं, और प्लस बहुत सारे लोग हमारे पूरे इंडिया में, चाहे आईटी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, जहाँ बॉम्बे में हैं, जहाँ पूना में हैं, जहाँ बंगलोर में हैं, वो भी बहुत सारे लोग वापस पंजाब में आ रहे हैं। इसी कारण हमारे जो जूके स्ट्रेन का जो बहुत ज्यादा जहाँ ठीक है पे सर, असर रहा देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं वो काफी जटिल और काफी जो है पिछले बार के तुलना से काफी प्रभावशाली तरीके से ही आया है, और इसके काफी गंभीर परिणाम भी हो रहे हैं। मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है, और हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि जो इसका चेन है उस चेन को किस तरीके से तोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लगातार टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ट्रैकिंग भी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। हमारा कोई परिजन, हमारे कोई परिवार का कोई मित्र, कोई संबंधी आईसीयू में ऑक्सीजन के सहारे अपना जीवन उसका चल रहा है, और आपको खबर मिलती है कि अब अस्पताल के पास सिर्फ आधे घंटे का या 2 घंटे का या 60 मिनट का ऑक्सीजन रह गया है। आप पर क्या बीतेगी, या मुझ पर क्या बीतेगी, या इस पैनल में किसी पर भी क्या बीतेगी, इसका जवाब अगर मिल जाए तो मुझे लगता है ओछी राजनीति बंद हो जाएगी। देखिए अंजना जी, सही बात है कि ऑक्सीजन की किल्लत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस अचानक इसलिए हुई कि एक एक अस्पताल में क्षमता से 3 गुना ज्यादा मरीज आ गए और सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। बिहार में जितने लिक्विड टैंकर बाहर से आते हैं, कोई खराब हो गया, किसी के आने की टाइम लगी, तो लिक्विड टैंकर आने के देरी से ऑक्सीजन की निश्चित तौर पर 2 दिन किल्लत हुई। लेकिन परसों शाम से बिहार में आमतौर पर धीरे धीरे सब सामान्य लेवल पे आ रहा है, और मैं बता दूं कि उदयन हॉस्पिटल ने तो अपने मरीजों की क्षमता भी अब बढ़ा दी है। हमारे अस्पताल में लगभग 50 के लगभग कोविड मरीज हैं, और ऑक्सीजन की जो बर्बादी की बात अभी कर रहे थे बाकी डॉक्टर्स लोग, उसको भी हमने फॉलो करना बिल्कुल मजबूती से शुरू किया है। हमारे देश में 4,502 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हुआ वित्तीय वर्ष 2020 में, लेकिन आपको पता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, जब कोरोना का पूरा प्रकोप था, कोरोना का पूरा तांडव था, तब वो एक्सपोर्ट दुगना कर दिया गया। हमारे यहाँ वैक्सीन भी एक्सपोर्ट हो जाती है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट हो जाता है, और हम जो वर्ल्ड की फार्मेसी है, हम किल्लत झेल रहे हैं और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों का आप बीच में मत बोलिए, आप इतनी ओछी बातें करके बीच में ना बोला करिए, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी पूरा कर लेंगे, आप करती हैं, आपने एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, और अंजना जी आपको पूछना चाहिए, मौत पे ओछी सवाल मैंने उठाए वो नागरिक पूछ रहे हैं, ओछी ओछी सर्टिफिकेट देती है बैठ के केवल। एक सांस उखड़ जाए तो जिंदगी साथ छोड़ जाती है, और इस सांस को बचाए रखने का जो इंसानी आविष्कार है उसका नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में व्यवस्था कितनी निकम्मी है, प्राण वायु के लिए मचे हाहाकार की इन तस्वीरों ने बताया है। इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं, और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं, मार मार के खेद रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे से लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा, 5 बजे से दौड़ रहे हैं यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं, लाइन लगे लंबर आया तो भगा दिया,
हम लोगों को बताइए क्या करने नहीं दे रहे हैं ये लोग, सिलेंडर दे दीजिए वो भी नहीं दे रहे। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो, किसको मिल गई जाके? कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। वैसे तो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मरीजों के रिश्तेदारों के सामने भागदौड़ की नौबत नहीं ही आनी चाहिए थी, ये काम व्यवस्था का है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मरीजों के अपने दौड़ धूप कर रहे हैं, उनके हाथ आ रही है बस परेशानी और निराशा। We are here since morning and we are in the queue and all of a sudden police came and said ki koi kisi ko cylinder nahi milega, everybody has to go back and ask your hospital to provide you cylinder. Hospital apne haath, they are raising their hand and they are not giving us any kind of cylinder. अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और अव्यवस्था क्या हाल बना रही है, इसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखिए। हरदोई से आए मरीज के रिश्तेदार पहले तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके ही अस्पताल में आए, फिर अस्पताल में उन्हें खुद सिलेंडर को हाथों में उठाना पड़ा। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी पूरी सुविधा नहीं मिली, जिसके लिए हम अपने शाहबाद से जंबो सिलेंडर दो व्यवस्था करके लाए और आज हमने तीन और मंगाए, लेकिन यहाँ L3 की सुविधा न होने का बताकर L3 की, तो हम लोगों को यहाँ से रिफर के कागज कल ही तैयार कर दिए गए थे, जिसमें हम आज इनको बरेली यहाँ से लेके जा सकते। ऑक्सीजन की मारामारी का आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन ब्लैकआउट की नौबत आ गई थी, अस्पतालों में इमरजेंसी सप्लाई की व्यवस्था की गई। आप कोविड पेशेंट को लेकर आए, क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, नो बेड।